क्या हुआ काकुल भाभी को? काकुल के मिसकैरेज हो गया, उसका बच्चा नहीं रहा। ऐसे क्या देख रही हो? आप शायद समझ नहीं पाएंगे, आपको सही सलामत देखकर कितनी तसल्ली हुई है हमें। हमारे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाता, आपके घर वाले हमें कभी माफ नहीं करते, और हम भी जिंदगी भर अपने आप को ही दोष देते रहते इस बात। मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है ना तुमने काकुल। I'm really sorry. एक पल की खुशी तो दे नहीं पाया तुमको, और तुम्हारे सामने प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी मैंने। मेरी एक बात से तुम्हारे बाबूजी और जीजाजी में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, और तुमने अपने बिखरते हुए परिवार को एक करने के लिए कितना कुछ नहीं किया, यहां तक कि मुझसे भी झूठ बोलने के लिए रिक्वेस्ट की तुमने। ऑनेस्टली कहूं काकुल, मुझे तुम्हारी उस बात का बहुत बुरा लगा था। मुझे वो तुम्हारी कोशिश बहुत सेल्फिश लगी थी। तुम पर भरोसा नहीं करता था ना मैं, इसीलिए। और मैं भी क्या करता काकुल, क्या करता मैं? पुलिस स्टेशन में सब लोगों के सामने उस आदमी ने कहा कि सुजीत और नाना ने मेरा एक्सीडेंट करवाया, लेकिन नहीं, वो सब झूठ था, एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा। एंड यू आर सो करेक्ट। और जैसे ही मुझे सच्चाई का पता चला, बहुत गुस्सा आया मुझे अपने ऊपर, बीइंग सो अनरीजनेबल। लेकिन अब मुझे खुशी है काकुल कि तुम और तुम्हारी फैमिली फिर से एक हो गए। हालांकि ये बात और है कि हम दोनों ने जो खोया है वो हमने जो खोया है, अगर देखा जाए सम्मान, आपके लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात होगी ना। अब तो आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं रही, ना ही कोई पछतावा, और ना ही मन में किसी किस्म का कोई गिल्ट। ऐसा मत कहो काकुल, प्लीज।
वो बच्चा मेरा भी तो था ना। राजा, अरे आइए ना। अब हम जानते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे से बहुत कुछ कहना सुनना होगा, लेकिन दिल पे एक बोझ है, वो हल्का नहीं होगा तो चैन नहीं मिलेगा हमें। काकुल, कहीं पढ़े हैं कि एक दुश्मन को माफ करना आसान होता है, लेकिन एक दोस्त को, किसी अपने को माफ करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी कुछ कम दुख नहीं दिए हैं तुम्हें, नहीं जानते कि अपना किया कैसे मिटाए हम। लेकिन काकुल, अगर हमारा भूल भुला सको तो हम जी सकेंगे। काकुल, ये जो बरसों का प्यार है, इसी के भरोसे, इसी के दम पे हम तुमसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि माफ कर सको हमें तो। प्लीज जीजू, प्लीज हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। काकुल, शर्मिंदा तो हम हैं। गलती तो हमसे भी हुई थी ना, हमारे कहने पर ही तो। अच्छा, भूल जाओ, नहीं बातें नहीं करते हम इस बारे में, ठीक है? काकुल, हम ये सोच रहे हैं, जब ये सब सुनने में इतना बुरा लगता है तो हम करते वक्त का ही नहीं सोचे। कहा हम नहीं डालेंगे चीजों, लेकिन आप हमसे एक वादा कीजिए, वादा कीजिए कि जिंदगी में फिर कभी आप और दीदी ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, हमसे अलग नहीं होंगे आप लोग। अरे काकुल, अब इतना बड़ा पाप दोबारा थोड़े करेंगे हम, इससे पहले तो विदा ले लेंगे हम। लेकिन अब तुम हमसे प्रॉमिस करो कि तुम सम्मान बाबू के साथ फिर अपने घर जाओगी। देखो काकुल, बात सुनो हमारा, अगर तुम्हें खुश नहीं देख सके तो कभी खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे। क्यों होता है ऐसा मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि इस तरह ना मुझे रिजेक्शन झेलनी पड़े? दो बार रिश्ता जुड़ा और टूट गया, किसी भी लड़की के लिए इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग कुछ नहीं हो सकता। क्या सच में मेरी किस्मत में किसी का प्यार और शादी नहीं लगी? और विकी ने भी फोन नहीं किया है। तो मिस्टर गॉड को मुझ पे तरस आ ही गया। वन मोर चांस, नॉट बैड। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और फिर गायब क्यों? हेलो हाय, कुछ नहीं, सीधे शिकायत। तुमने काम ही ऐसा किया है। आई एम सॉरी, अचानक काम से बाहर जाना पड़ा, तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर सका। आज ही आया हूँ और देखो आते ही सीधे फोन तुम्हें। ओह, यू आर सो काइंड। बहुत नाराज हो? क्यों, नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं ये बात इतनी स्ट्रॉन्गली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे रूठे हुए को मनाना बहुत अच्छे से आता है। तुम्हारे घर आ रहा हूँ मैं। मेरे घर हिम्मत है? तुम्हारे दरवाजे तक तो आ ही गया हूँ। अंदर आने में कितना टाइम लगेगा? लो आ गया। What? Oh no. Hello, Vicky? Hello? मुझे दीजिए, मैं देविका दी को दे दूंगी। सॉरी मैम, जिसके नाम पे पार्सल है उसे ही डिलीवर करने का ऑर्डर है। तूने कहा कौन? खड़े क्या है? यही है देविका, दीजिए पार्सल। हाँ, यस मैम, साइन प्लीज।
See you at the coffee shop tomorrow. मैम एक गिलास पानी मिलेगा? Sure. Are you crazy? तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुमसे मिलने? अरे तो कल आ गई ना कॉफी शॉप? No. I'll wait for you. मैं नहीं आ सकती. तो कल फिर मैं यहीं आ जाऊँगा. कॉफी शॉप. Hey, hello, पानी? No, thanks. अब जरूरत नहीं है. कौन आया था? देविका दी के लिए पार्सल आया है. क्या है उसमें? मुझे क्या पता. हे भगवान, इसने अपने लिए कोई नींद की दवा तो नहीं मंगा ली है? हाउ स्वीट. राधा कृष्ण की मूर्ति मेरे लिए. लेकिन इस गिफ्ट का क्या मतलब है? डोंट बी अ फूल देविका. उससे पूछोगी ना तो मजाक उड़ाएगा तुम्हारा. दादी से पूछती हूँ. तू समझती क्यों नहीं है काकुल? जो कुछ भी हुआ इसमें तेरी कोई गलती नहीं है. नहीं दीदी, सब कुछ हमने ही किया. पाप किया है हमने. अपने बच्चे की जान ले ली. तू अपने आप को कोसना बंद करेगी या मैं यहाँ से चली जाऊँ? कोसने के अलावा बचा ही क्या है दीदी? एक बार हमने कहा था कि क्या फायदा जीने का, क्या करेंगे हम इस बच्चे को ऐसी दुनिया में ला कर. अनजाने में हमारे मुंह से निकली बात सच हो गई दीदी. अगर ईश्वर को हमारी सुननी थी तो हमें उठा लिया होता. इस मासूम को क्यों? उसे मत बोल. तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं और तेरे जीजू जिम्मेदार हैं. हाँ काकुल, मेरी बहन माँ बनने वाली थी और ऐसे वक्त में माँ बनकर मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था. तेरी जीजू को तेरी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए थी, तुझे खुश रखना चाहिए था, लेकिन हम अपना फर्ज ही भूल गए. नहीं दीदी, ये तो हम अपनी किस्मत में लिखा कर लाए. आप क्यों दुखी हो रही है? काकुल, किस्मत बनाने से बनती है. इन रेखाओं में कुछ नहीं लिखा है. इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है. और तकदीर को दोष देने के बजाय तो ये क्यों नहीं सोचती कि ईश्वर ने जीवन में तुझे और एक मौका दिया है और उसे जाने मत देना. हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं दीदी. अब कोई दूसरा मौका हमारे जीवन को नहीं संवार सकता. तू जानती है काकुल, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसकी अपनी सोच. अगर वो सही नहीं है ना तो निराशा जीवन को नरक बना देती है. आशा की डोर बिखरती जिंदगी को सवारती है काकुल. सम्मान खुद तुझे होकर साथ लेने आए हैं. इसे भगवान की मर्जी के साथ साथ अपने जीवन की नई सुबह क्यों नहीं मान सकती तू? उतरा तुम्हें तो बस चिंता करने का कोई बहाना चाहिए. अरे हमारी देविका बिल्कुल ठीक है, बल्कि उसकी सेहत पहले से बेहतर हो गई. हो सकता है उसने अपने लिए कोई कॉस्मेटिक्स या डीवीडी मंगाया. अभी जरूरी तो नहीं कि उसने कोई खतरनाक दवा या क्या कहते हैं कोई जहर मंगा लियो. तो फिर बताया क्यों नहीं उसने? इस पर छिपाने की क्या जरूरत थी? अगर देविका को कुछ चाहिए तो मुझसे कह देती. बच्ची तो है नहीं वो कि हर चीज तुम्हें बताकर मांगवाए. उत्तरा, हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें थोड़ी आजादी देनी चाहिए और उनकी हर सांस पर पहरा तो लगा नहीं सकते, लगाना भी नहीं चाहिए. लेकिन देविका, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर एटीट्यूड. तुम बेकार परेशान हो रही हो. शी इज एब्सोल्युटली फाइन. भगवान करे आपकी बात सही हो और मेरा डर गलत. मेरी बात सही है. दादी सुंदर है ना? बहुत सुंदर है. I knew it, आपको पसंद आएगी. मुझे भी बहुत अच्छी लगी. दुनिया में कोई नादा नहीं होगा जिसे राधा कृष्ण की जोड़ी ना पसंद आए.
अरे उनका प्यार तो एक ऐसे अनोखे और प्योर रिश्ते का सिंबल है जिसके आगे कोई भी बात माने नहीं रखती, ना रंग ना रूप ना उम्र का फर्क। उम्र का फर्क मतलब? राधा कृष्ण जी से उम्र में बड़ी थी, इसीलिए कृष्ण जी से पहले राधा का नाम लिया जाता है। राधा कृष्ण या राधे श्याम। लेकिन इस उम्र के अंतर से उनके रिश्ते की गहराई पे कोई असर नहीं पड़ा, तभी तो प्यार करने वाले राधा कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं। तुम्हारा मैसेज मुझे मिल गया विकी, मैं समझ गई क्या कहना चाहते हो तुम। मेरे परिवार के बीच आई दरार को पाट कर हमें एक करने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ भगवान। अब एक ही मनोकामना बाकी है, मेरी काकुल का घर बसा दो। अब तो उसके आंचल में खुशियां डाल दो भगवान। आपकी दया रही तो सम्मान जरूर मेरी काकुल के जीवन में नए रंग भर देगा। उन दोनों को साथ देखने की मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे ना आप? क्या सोच रहे हो सम्मान? यही ना कि तुम्हारी वजह से इस छोटे से जीवन में काकुल को क्या क्या नहीं देखना पड़ा। देखो काकुल की तरफ, क्या ये वही काकुल है जिसकी मासूमियत और मुस्कुराहट को देखकर एक ही नजर में तुम उसकी तरफ खींचे चले गए थे? हाँ सम्मान, काकुल को तुमसे प्यार करके क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जरा देखो उसकी तरफ, बेचारी मुस्कुराना तक भूल गई है। काकुल को दुख देकर मैं भी कभी खुश नहीं रह पाया। एक बार हालात से हार मानकर समझौते के लिए ही सही मैंने काकुल को एक्सेप्ट करना चाहा, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी गलत फहमी ने मुझे रोक लिया। क्या करता मैं? और उस गलत फहमी की वजह से काकुल का परिवार बिखर गया। बहुत बुरा किया मैंने उसके साथ, वो कल की बात है। आज तुम क्या करोगे? आज जब ठीक थी उसी तरह की सिचुएशन तुम्हारे सामने खड़ी हो गई है तो तुम क्या करोगे? तुम जानते हो जगमोहन और सक्सेना की सारी सच्चाई, उनके असलियत जानने के बाद अब तुम क्या करोगे सम्मान? क्या ये जानने के बाद भी तुम वंशिका को स्वीकार कर पाओगे? सोचो सम्मान, सोचो, क्योंकि अगर तुमने वंशिका से मुंह मोड़ लिया तो क्या ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? उसी उलझन में तो हूं मैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। किसी एक का साथ देना दूसरे के साथ नाइंसाफी तो होगी ही, लेकिन मैं काकुल को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। अपनी गलतियों की सजा काकुल को एक बार फिर देना, ये तो उसके साथ ज्यादती होगी ना। सोचो सम्मान, सोचो, काकुल या वंशिका, वंशिका या काकुल। काकुल के साथ यही किया था मैंने और अब वंशिका के साथ फिर वही। सम्मान, आप अब तक यहीं पर हैं? हाँ सम्मान, हम बिल्कुल ठीक है सम्मान, आप जाकर सो जाइए, रात भर जाग रहे थे ना सम्मान। घर में सब लोग बहुत परेशान होंगे आपको लेकर, चिंता कर रहे होंगे आपकी। आप जाइए, हम ठीक हैं। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन मुझे बताओ कि
तो मुझे माफ कर सकोगे या नहीं? माफी तो हमें मांगनी चाहिए सम्मान, आपसे, आपके घर वालों से, पापा जी से, मम्मी जी से, देविका दीदी से, सबसे। सम्मान, अगर जीवन में हमें मौका मिला ना, हम उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। अगर ऐसा है तो चलो मेरे साथ। कहाँ? उस घर में, जिसे तुम सपनों में देखा करती थी, वहां जहां तुम अपने सारे सपने छोड़ आई हो काकुल। हाँ काकुल, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाना चाहता हूं। और इस बार कोई जबरदस्ती नहीं, कोई डर नहीं, किसी हालात से समझौता करके नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से। चलोगी ना मेरे साथ? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा तूने?